Hey all my dear students, देखिए S block का memory chart. This is going to help you a lot. S block का memory chart में start करने वाला हूँ बेटा पानी से. जरा देखिए सारी reactions आपको एक second में याद हो. इसके लिए मैंने क्या लिया? पानी ले लिया. ये लिया मैंने पानी. आइए इस पानी में हम जाने देते हैं क्या? अमोनिया को. हे अमोनिया, आप पानी में चले जाओ. कौन जा रहा है पानी में? अमोनिया गैस. अमोनिया गैस जब पानी में जाएगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी. और दूसरी तरफ से मैंने कहा CO2 भाई आप जाओ पानी में. CO2 भी पानी में गए भाई साहब. एक तरफ से अमोनिया पानी में गई, एक तरफ से CO2 भाई साहब पानी में गए. फिर क्या होगा? आप जानते हैं अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और ये तो पहले से ही पानी भाई साहब है. तो आप मुझे बताइए क्या होने वाला है? अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, CO2 पानी से मिलेगा, क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, सोचने की बात ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, H2CO3 एसिडिक है. अब आप खुद सोच सकते हैं कि एसिड एंड बेस मिलेंगे. दिस इज योर बेस. बेस जब एसिड से मिलता है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. दैट मींस हमारा आंसर अमोनियम कार्बोनेट आएगा ही आएगा. NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट. यानी कि कभी भी आपको रिएक्शन इस तरह दी हो कि अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर, तो आपके पास ये तरीका होना चाहिए. जब भी आपके सामने दिया हो अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, माय डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा? अमोनियम कार्बोनेट. अमोनियम कार्बोनेट. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं यही काम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी करने वाला हूँ, लेकिन तब तक इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और आपकी एस ब्लॉक की सारी रिएक्शंस हो जाएंगी चुटकियों में, सेकेंड्स में आपकी अपनी. आइए देखते हैं अब आगे क्या होगा अगर हमने एक्सिस में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास कर दिया. यही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सिस में पास कर दिए तो फिर क्या बात होगी? देखिए इस अमोनियम कार्बोनेट में मैं अब ज़्यादा CO2 और ज़्यादा पानी पास कर दूं, तो माय डियर स्टूडेंट अब ये कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स NH4HCO3 कार का बाइकार हो जाएगा. कार बेकार हो जाएगी अगर ज्यादा धुआं दे दिया भैया, तो बाइकार्बोनेट बन गया. और याद रखिएगा बाइकार्बोनेट से वापस आपको कभी कार्बोनेट में जाना हो तो आप हीट कर दीजिए. कहते हैं ना हीट हमेशा रिश्ता तोड़ती है, तो ये CO2 को भगा देगी. नाउ बाइकार्बोनेट, इस बाइकार्बोनेट के सामने अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले आऊं, NaCl ले जाऊं, तो फिर क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा. NaHCO3 खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा होता है, इसको अगर आप हीट कर दें तो धोने वाला सोडा बन जाएगा. हीट कर दें तो धोने वाला सोडा बन जाएगा Na2CO3. और ये हो गया सॉल्वेज प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? सॉल्वेज प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. अब बच्चा कहेगा सर मम्मी मेरी पकौड़ी बनाती है, बेकरी में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, आप कह रहे हैं हीट करने पे ये धोने वाला सोडा बन जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, यस, जब बेकरी में ये यूज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो भी चीज़ बनती है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाती है. ब्रेड से निकलती है CO2, छेद छेद से होते हैं. ब्रेड में देखा होगा आपने, बेकरी वाले जितनी भी आइटम्स होते हैं सॉफ्ट स्पॉन्जी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें CO2 गैस रिलीज होती है. लेकिन सर ये खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा. भाई 170 डिग्री सेल्सियस पे ये काम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा. कम टेम्परेचर पे बेकिंग सोडा बेकिंग ही रहेगा, लेकिन अगर आपने बहुत हद से ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो बेकिंग सोडा डेफिनेटली इस सोडा में चेंज हो जाएगा. तो आइए इसी रिएक्शन से
हम लोग ताजमहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ताजमहल। देखिए यही रिएक्शन से कैसे ताजमहल बनाएंगे और कैसे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये रिएक्शंस पढ़िए, देखिए मज़ा आ जाएगा आपको, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये देखिए फिर से हमारे पास है पानी, ये रहा हमारा वाटर। अब की बार पानी में गया कौन? इस बार पानी में जाएगा क्विक क्लाइम, CAO, चूना। क्विक क्लाइम, क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम, चूना। क्विक लाइम, ये क्विक क्लाइम जब पानी में जाएगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इधर से आप वही CO2 ले आइए, CO2, ये H2CO3 बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बात बता दूं कि क्विक लाइम जब इसमें गया तो CA को लिखूंगा वाइट से, क्योंकि लाइम वाटर इसको बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज योर लाइम वाटर। लाइम वाटर कहलाता है ये, और ये तुम्हारा H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मिले सॉल्ट एंड वाटर, भैया ताजमहल बन गया। क्या बन गया? ताजमहल CaCO3। ये ताजमहल भी CaCO3 है। यस, ताजमहल बन गया। फिर से एक बात बता दूं, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक्सेस में पास कर दिया आपने क्या चीज़, वही धुआं पानी। धुआं पानी आपने अगर एक्सेस में दे दिया इसको तो कार बेकार हो जाएगी, मतलब ये प्रेसिपिटेट था, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर है। कलर डीकलराइज हो जाएगा, वाइट कलर अब डीकलराइज हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और माय डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से आपने वापस कार्बोनेट बनाना है तो आप क्या कर लो, मैंने बताया था, आप हमेशा क्या कर लिया करो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर आपको वापस जाना है तो आप एक ट्रिक अपनाएं, हीट कर दें, दोस्ती टूट जाएगी, फिर से ये ऐसा बन जाएगा, बाइकार्बोनेट विल चेंज इनटू कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन चलती रहती है, ऐसे ही होता रहता है। अगर आपको इससे कुछ मदद मिलती है तो मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। ऐसी रिएक्शंस आपके सामने लेकर आता रहूँगा, चीज़ों को आसान बनाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।